कोलंबो में निधास ट्रॉफी का दूसरा मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दे दी। इस मैच में शुरुआत से ही सब कुछ भारत के पक्ष में दिखा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लगातार अंतराल पर बांग्लादेश के विकेट गिरते रहे। बांग्लादेशी टीम कभी भी बड़े स्कोर की तरफ जाती हुई नहीं दिखी और पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 139 रन ही बना पाई। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार बॉलिंग की। जयदेव उनादकट ने 3 विकेट छटके तो विजय शंकर को 2 विकेट मिले। वहीं यजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर को 1-1 विकेट मिला। हालांकि सुंदर को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन सुंदर ने भी बेहतरीन बॉलिंग की। इसके बाद जवाब में खेलने उतरी टीम इंडिया को रोहित और शिखर ने अच्छी शुरुआत दी। हालांकि रोहित एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए और महज 17 रन बनाकर आउट हो गए। टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत पर भरोसा जताते हुए उन्हें 3रे नंबर पर प्रमोट किया, मगर पंत कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाए और महज 7 रन बनाकर बोल्ड हो गए। हालांकि दूसरे छोर से एक बार फिर गब्बर का बल्ला गरज रहा था। इसके बाद शिखर धवन ने सुरेश रैना के साथ अच्छी साझेदारी की। शिखर धवन ने 55 और रैना ने 28 रन बनाए। इसके बाद आए मनीष पांडे ने 19 बॉल पर नाबाद 27 रन बनाए और दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर टीम को जीत तक पहुंचा दिया। अपने दूसरे ही मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले विजय शंकर को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।